नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और आज के इस वीडियो में हम आईसर 557 के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं कृषि मेले दिल्ली में। पूसा कृषि मेला दिल्ली में है और मार्च में आयोजित होता है। 5-6-7 में इस बार हुआ है। पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा छोटा मेला हुआ इस बार। कृषि उन्नति इससे काफ़ी बड़ा मेला था। तो सर से हम आईसर 557 के बारे में पूरी ही जानकारी लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? रामनिवास जी। रामनिवास जी, आप अपने इस ट्रैक्टर के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी सर, सबसे पहले तो आई सर परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। 55 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है और 557 मॉडल लॉन्च किया है। काफ़ी हैवी बम्पर के साथ, हैवी फ्रंट एक्सल, और ये पावर स्टेयरिंग में आता है, कोई वैकल्पिक इसमें है नहीं। और टेंडम पम्प इसका दिया हुआ, वल्ट्रा इंजन इसके अंदर 3298 HP का, मतलब CC का यूज़ किया है। 3298 CC का वल्ट्रा इंजन इसमें यूज़ किया गया है और क्वाड्रा ड्राइव के साथ है ये। जो पीछे फाइनल अपनी फाइनल ड्राइव होती है, फाइनल ड्राइव पे मतलब रिडक्शन के लिए लगाए होते हैं। एक शाफ्ट के ऊपर 3 गियर लगे होते हैं, जो क्या होता है जर्क, और जो आवाज़ आती थी पहले पिछले हिस्से में, आवाज़ नहीं आती है, वो रिडक्शन करने के लिए लगाए गए। हाँ, क्वाड्रा ड्राइव का ये फ़ायदा है जी सर। ये ऑयल एमर्ज ब्रेक के साथ है और 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्सेबल इसके गियर है। इसका सिंक्रोमस गियर बॉक्स इसमें यूज़ किया गया है, जिसमें आप मतलब कपलर लगे हुए हैं गियर शिफ्टिंग के लिए, जिसमें जिस तरह आप गाड़ी के अंदर शिफ्ट करते हैं गियर। काफ़ी आधुनिक तकनीक के साथ इसको यूज़ किया गया है, ताकि आप ये कि पहले गियर में चल रहे हैं उसके साथ आप चौथा गियर एकदम से लगा सकते हैं। तो उसके अंदर हाँ, सिंक्रोमस का सब कार की उपयोग हो सकता है जी सर, कार की तरह इसको यूज़ किया गया। इसके मतलब अंदर कपलर लगे हुए हैं गियर शिफ्टिंग के लिए और 16-28 के मतलब बहुत काफ़ी बड़े टायरों के साथ इसको मतलब यूज़ किया। 2000 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। ये ऑक्सिलरी वाल्व के दोनों पोर्ट हैं जी। 2000 kg की हाँ लिफ्ट कैपेसिटी है जी। और ये ऑक्सिलरी वाल्व के लिए इसका अलग से लीवर लगाया गया है जी। इसमें आप रोटेटिंग प्लाउ वगैरह यूज़ कर सकते हैं जी। टिपिंग ट्रॉली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जी। और इसके अंदर रिवर ये PTO जो है 540 मतलब 6 स्प्लाइन का 540 RPM का PTO है, और MSPTO और रिवर्स PTO के साथ ये है। अच्छा, मल्टी स्पीड और रिवर्स PTO। हाँ जी सर, जी सर, ये इसका लीवर दिया हुआ है यहाँ पे, ये PTO लीवर है। काफ़ी बड़ा इसका प्लेटफॉर्म इस बार बनाया गया है, जिसमें ऐसे सीट भी बहुत एडजस्टेबल है इसकी। आप आगे पीछे मतलब ड्राइवर अपनी अपनी मतलब इच्छा के अनुसार, जैसे उसको कम्फर्ट फील हो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। इसके डीजल टैंक की क्षमता? डीजल टैंक की क्षमता इसकी सर 45 लीटर है। इसमें पंप कौन सा लगा हुआ है सर? पंप इसमें सर इनलाइन पंप लगा हुआ है जी, बोस कंपनी का जी, जी जी सर। इसकी कीमत क्या है सर? इसकी कीमत सर अभी तो इसकी कीमत चल रही है 7,70,000 के आसपास, लेकिन स्कीम आती रहती है अभी इसके ऊपर, बुलेट की जैसे स्कीम है जी, तो उसके 1,00,000 रुपये अगर जैसे कम कर दिए जाएँ तो उसकी कीमत 6,70,000 बचती है। और कस्टमर का सवाल ये होता है कि 1,00,000 में तो बुलेट आती नहीं है जी, नहीं आती है, 1,50,000 के ऊपर, 1,50,000 की आती है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो मतलब कंपनी जो है स्टैंडर्ड मॉडल का पैसा देती है। और जो अगर आप कोई भी नाम अगर आप मतलब 10,000 से ऊपर का कोई भी नाम होता है तो उसका जो 31% TDS कटता है वो कस्टमर को लगता है। अगर उसको जोड़े हैं तो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मॉडल बुलेट आ सकता है, वो 1,31,000 बन जाता है, तो उसके साथ आ जाता है। इसका फ्रंट टायर जो है वो 750/13 का ही है, 750/16 का है फ्रंट टायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।